बिहार के रोहतास से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यहाँ NH2 पर शिवसागर इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल यहाँ यात्रियों से भरी बस और ट्रक में टक्कर के बाद यात्री बस बगल के चार्ट में पलट गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की सूचना है। हादसे का कारण प्रत्यक्षदर्शी NH2 का अक्सर जाम होना बता रहे हैं। इस हादसे में बस सवार एक महिला समेत 4 की मौत हुई है, वहीं दर्जन भर यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल लाया गया है। वहीं मौके पर सासाराम SDO भी पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि यात्री बस भभुआ से सासाराम आ रही थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, आपन बिहार। ट्रक टोल जो NH2 रोड है, उस पर टोल प्लाजा है सासाराम, प्रतिदिन का दिन है कि 5 से 7 किलोमीटर प्रतिदिन जाम रहता है। और जाम के चलते बस वाला उधर से घुमा के इधर जा रहा था, उसी के क्रम आमने सामने ट्रक और बस में एक्सीडेंट हुआ और दोनों ट्रक और बस यहां पे पलट गया, जिसमें बहुत लोग हताहत। मामला रॉन्ग साइड से बस आ रहा था ड्यू टू मतलब कंजेशन ऑफ व्हीकल्स, और उसको जिसके वजह से ये घटना घटी है, बहुत ही दुखद घटना है। इसमें एक्सीडेंट हो गया, कैजुअलिटी भी हुई है, जिसको हम सदर हॉस्पिटल भिजवा दिया है, वहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है। और जो भी लोगों की शिकायतें हैं टॉल को प्लाजा को लेके, उसको हम लोग रेक्टिफाई करवाएंगे इमीडिएट उसको, और इसके लिए मैंने उसके TCM से भी बात कर लिया है, और 1 से 2 दिन में पूरा स्ट्रेंथन किया जाएगा। और मैक्सिमम कोशिश हम लोग की रहेगी, प्रयास रहेगा कि टॉल पे कम से कम जाम की समस्या हो, ताकि लोगों को बेहतर तरीके से अपने लोकेशन पे पहुंच जाए, टाइमली पहुंच जाए, इस तरह का कोई इशूज़ नहीं हो।